बैक टू माई YouTube चैनल शिवी सेलोरिया। सो आज मैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो रहेगी फेशियल हेयर रिमूव करने को लेके, कि हम घर पर ही इजीली अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं। और पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी वो प्रोडक्ट था बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेज़र, और आज जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रोडक्ट रहेगा ये पिंकिल कंपनी की 3-in-1 रेजर्स जो आती हैं। वो ये इजीली लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं और मीशो पे एंड जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे भी ये अवेलेबल हैं। ये जो आपने देखा होगा मोस्टली काफ़ी लोग ये वाली यूज़ करते हैं, ये लोकली बहुत आसानी से मिल जाती है। 50 से 60 रुपीज़ का ये पैक मिलता है जिसमें हमें 3 मिल जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ जो इसका ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ हो, तभी वो आपके फेशियल हेयर पे अच्छे से काम करेगा और दोबारा आपकी हैवी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर ये आयरन ब्लेड हुआ तो आपकी ग्रोथ हैवी आ सकती है और पहले से भी ज़्यादा आपके फेस पे बाल दिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ करें उसको आप अच्छे से चेक करके चूज़ करें। मेन चीज़ ये है कि हम मार्केट में जब लोकली कोई चीज़ खरीदते हैं तो ओरिजिनल से पहले कॉपी बिकना स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रोडक्ट की भी काफ़ी सारी कॉपीज़ बिकती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ खुद ही, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदा था तब मेरे को भी उल्लू बना दिया था किसी ने, तो इस टाइप का प्रोडक्ट किसी ने मुझे दे दिया था। ये डायरेक्ट प्रॉपर ब्लेड टाइप का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसमें किसी तरीके का कोई zigzag टाइप का ब्लेड नहीं है, डायरेक्ट ब्लेड है। अगर आपकी स्किन पे ये हल्का सा भी तेज़ हाथ से लग गया तो आपकी स्किन ब्लीड करेगी। तो दिखने में ये दोनों बिल्कुल सेम है, मैं आपको इसका भी सेम येलो कलर निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। आप देख सकते हैं दिखने में दोनों प्रोडक्ट सेम हैं, बट लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि इस वाले प्रोडक्ट के अंदर जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसके अंदर जो ये zigzag ब्लेड्स बने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करना चाह रहे हो और अपने फेस को किसी तरीके का हार्म नहीं देना चाहते तो ये ब्लेड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ this type of blade। आप देख सकते हैं दोनों ब्लेड्स में जो डिफरेंस है, आपको सामने से ये चीज अच्छे से दिखेगी, विजिबल होगी। एक साइड इसमें बिल्कुल डायरेक्ट ब्लेड है और इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है जिससे अगर हम अपनी स्किन पे ज्यादा जोर से भी इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारी स्किन को किसी तरीके का कोई हार्म नहीं करेगा या इससे हमारी स्किन में कोई कट आने के चांसेस नहीं रहेंगे। बट अगर हम इससे अपनी स्किन पे थोड़ा तेज़ करेंगे तो ये देखिए ये स्किन को हार्म कर रहा है और हल्का सा ब्लेड आपकी स्किन में लग रहा है। तो आप जब भी ये प्रोडक्ट खरीदें तो प्लीज़ देख कर ख़रीदें, अच्छे से चेक कर ख़रीदें। तो मैंने भी एक गलती करी है तो आपसे ये गलती ना हो, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में समझा दी है। सो गाइज, मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ पिंकिल के ये प्रोडक्ट जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हैं। ये मुझे 60 रुपीज़ का पैक पड़ा है मार्केट से, लोकल मार्केट सेल से मैंने इसको परचेज़ किया है। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको शेयर किया था वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था बॉम्बे शेविंग कंपनी का ब्लेड, वो 150 समथिंग का था जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। बट अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हैं, 60 रुपीज़ में जाना चाहते हैं, तो इट मीन्स ये हमें 20 रुपीज़ ईच पड़ गया। तो 20 रुपीज़ में अगर आप अफोर्डेबल चीज़ ढूंढ रहे हैं तो हेयर इट इज़। और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले बहुत दूसरे ब्रांड्स का यूज़ किया है जो कि मुझे अच्छा लगा, बट हाँ लोकली मैं फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है गाइस, कि हमें अपनी स्किन पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर जिससे हमारा जो शेव करने का जब हम शेविंग करें तो वो अच्छे से ग्लाइड करें, तो हमें यूज़ करना होता है कोई भी जेल या कोई ऑयल
तो मैंने लास्ट टाइम यूज किया था एलोवेरा जेल और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी ऑरेंज जेल यूज करके, तो हम अपने फेस के छोटे छोटे पार्ट्स पे इसको अप्लाई करेंगे एंड वहाँ से मैं आपको रिमूव करके बताती हूँ कि फेशियल हेयर, अगर आप डायरेक्टली हेयर्स को रिमूव करोगे तो आपकी स्किन ड्राई भी होगी तो अच्छे से हेयर भी रिमूव नहीं होगा और आपकी स्किन पे हल्का सा कट लगने का चांसेस है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं अपने फेस पे इस जेल को अप्लाई कर रही हूँ। बस आपको इतना अप्लाई करना है कि अच्छे से जो भी चीज़ आप लगाओ वो ग्लाइड कर जाए, इतना नहीं लगाना कि वो आपकी स्किन में ही अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको इसको अप्लाई करना है। सो गाइस, मैंने इसको अपने हाफ फेस पे अप्लाई कर लिया है और अब बस जिस तरीके से मैं यूज़ करूँगी उसी तरीके से बस आप भी यूज़ कीजिएगा। और आपको इसको थोड़ा दूर से पकड़िएगा क्योंकि जितना पास से आप प्रोडक्ट को पकड़ेंगे उतना ज़्यादा इस पर प्रेशर ज़्यादा जाएगा, टिप पे प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ेगा। अगर जितना कॉर्नर से आप पकड़ोगे उतना ज़ीरो प्रेशर बनेगा, तो ज़ीरो प्रेशर के साथ हमें ये अपने फेस से रिमूव करना है और 90 डिग्री के एंगल पर यूज़ करना है। हमें ना ऐसे यूज़ करना है ना ऐसे यूज़ करना है, बिल्कुल ग्लाइड करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे हम इसको यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ यूज़ करना। As you can see कि ऑरेंज जेल ब्लैक जेल में कन्वर्ट हो चुका है, डेड स्किन सेल्स भी इसके साथ रिमूव हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक क्लीन टिश्यू पेपर पे इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं गाइस, ये अच्छे से रिमूव हो रहा है। इससे मेरे स्किन की जो डैमेज लेयर है वो भी निकलेगी, ताकि जो मेरा डेड स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और हेयर्स भी हल्के हल्के जो भी हैं वो निकल रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इजी वे में इसको जाके करूंगी। गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। एंड हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगे इसे यूज़ करते टाइम कि अभी थोड़ा सा ग्लाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बीच में एलोवेरा जेल या ऑरेंज जेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो उसका आप थोड़ा सा और लगा लीजिए ताकि स्किन पे हार्म ना करे। जहाँ जहाँ से आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ करती जाऊँगी वहाँ से स्किन एकदम क्लियर ग्लास स्किन टाइप निकलती जाएगी। एंड As you can see, कितने easily ये remove हो रहे हैं। आपको मैं अपने half face पे करके difference दिखाऊंगी। बस जब भी नोज का करें तो थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि फेशियल कट्स आ जाते हैं। रखें कि आप बहुत स्लोली अपना हैंड चलाएं, वरना पता चले कि आपने बहुत तेज तेज हैंड चलाया
और हेयर्स के साथ सारी आईब्रो भी उड़ा डाली। तो थोड़ा सा धीरे धीरे अपना हाथ चलाएंगे और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर आप अपना जिस भी तरीके से आप अपना काम करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बट बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि हाँ मैंने तो आपकी वीडियो को देख के जल्दी जल्दी किया था। मैं 2 से 4 बार कर चुकी हूँ पहले, तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप प्रैक्टिस किए बिना प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मेरी वजह से आपकी आईब्रोज उड़ गई। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी आईब्रोज को क्लीन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे हाथ चला रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से रखा और सीधा नीचे कर दिया। तो एज यू कैन सी इसका सबसे मेन फायदा यह है कि जो आपको फोरहेड पे पेन होता है ना थ्रेडिंग कराते टाइम, आपको उस पेन से छुटकारा मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं अभी तो मेरे हाफ फेस के ही हेयर रिमूव हुए हैं, और ये ऑरेंज जेल था इसलिए भी थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, वरना नॉर्मली भी इसका जो हमारी स्किन की डेड स्किन है वो इसने अच्छे से रिमूव की है। मैं आपको क्लीन करके एक साइड से दिखाती हूँ डिफरेंस। बिल्कुल हल्के हाथों से अब मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने हेयर्स रिमूव किए हैं, तो ज़्यादा प्रेशर से मैं फेस को रगड़ूंगी नहीं। आप देख सकते हैं गाइस डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर, बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है ये चीज़, ये एरिया। और आप देखेंगे कि मैं अभी अपनी आईब्रोज के जो इनर कॉर्नर है इसको भी इसी से रिमूव करूंगी। यहाँ मैं कोई जेल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ ही अपवर्ड होती है, तो नीचे से आराम से रिमूव हो जाता है। बस आपको बिल्कुल ध्यान से ये चीजें करनी है। जहां से आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उस पार्ट को छोड़ देना बेटर है, कोई भी काम बिगाड़ने से बेटर है कि आप छोड़ दो उसको। अब मैंने बिल्कुल हल्की हल्की क्लीनिंग करी है अपनी आईब्रोज की। आप देख सकते हैं गाइस इस आईब्रो में और इस आईब्रो में थोड़ा फर्क है क्योंकि मैंने इसकी हल्की सी क्लीनिंग की है। एंड अब मैं आपको अपना पूरा फेस पे कंप्लीट करके तब मैं आपको मिलती। एंड गाइस मैंने कर लिया है अपने पूरे फेस पे और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे किया है ताकि कोई भी अगर थोड़े से भी पार्टिकल्स हेयर्स के कहीं रह गए हों तो मैं उसको अच्छे से रिमूव कर सकूं। आप चाहे तो अपना फेस वॉश कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर रोज वाटर का यूज किया है। बिकॉज अभी बजे हैं रात के 2 और 2 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो रात के 2 बजे तो मैं नहीं जा सकती बाहर फेस वॉश करने क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोज वाटर से ही इसको क्लीन कर लिया है। और याद रखिए गाइस कि अगर आपका ये फेस हो जाए, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट प्री केयर एंड पोस्ट केयर ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले स्क्रबिंग कीजिए, हेयर रिमूव करने से पहले स्क्रबिंग कीजिए, देन अपना कोई भी फेवरेट जेल या ऑयल लगाकर, बट मैं ऑयल से ज़्यादा जेल प्रेफर करूँगी क्योंकि ऑयल से इतना परफेक्टली ग्लाइड नहीं हो पाता जितना जेल के थ्रू होता है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर मेरा स्किन लग रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी एक शेड लाइट हो जाते हैं क्योंकि हमारे फेस पे हेयर्स की वजह से जो डार्क स्पॉट हैं वो और ज़्यादा डार्क दिखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा जो ये लुक है मैं कैसी लग रही हूँ अभी। बस अभी एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं यही अपना पोस्ट केयर के लिए ये जेल ही अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी।
ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा ताकि किसी की स्किन इरिटेट ना करे और सूदनेस मिल जाए स्किन को, सूदनेस मिल जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा ठंडा ठंडा स्किन में अच्छा रहता है। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। जब तक ये स्किन में अब्जॉर्ब होगा तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे हेयर्स रिमूव करे हैं। फेस पे हल्का सा मेकअप था और लिपस्टिक का भी थोड़ा सा इस पे स्टेन आ चुका है। तो गाइज अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बेझिझक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बस हाँ, अगर मेरी स्किन पे हल्की सी एक्ने था, मतलब एक्ने ठीक हो चुका है, अब उसके थोड़े से मार्क्स हैं, मैंने तब भी इसको यूज़ किया। बट अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, मतलब अभी वो एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव स्टेट मतलब अभी रेडनेस है आपकी स्किन पे एक्ने की, और ताज़े बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आपको अभी एक्ने हुए हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा जब तक आपके एक्ने ड्राई होके ठीक नहीं हो जाते, ताकि आपकी स्किन में किसी और तरीके की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ अगर आप अपने पिंपल्स के ऊपर इसको यूज़ करेंगे, एकदम रेड पिंपल्स के ऊपर, तो वहाँ से कट के वहाँ से ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा रहेगा और आपके फेस पे निशान भी पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप यूज़ कीजिए, और कभी भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ ही आके कीजिएगा, मतलब आपके हेयर की डायरेक्शन जिस तरफ जा रही है, अगर आपके हेयर इस तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ तो आप यहाँ करेंगे, और जिस एरिया के आपकी डायरेक्शन उल्टी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ की जो हेयर की डायरेक्शन होती है वो थोड़ा ऐसे जाती है, तो हमने हल्का सा ग्लाइड करके ऐसे यूज़ किया। बट अगर आप उल्टा यूज़ करेंगे कभी भी इसको तो आपके हेयर की ग्रोथ ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। जिनको मुझे तो बहुत कम हेयर की प्रॉब्लम है फेस पे, ऐसी भी मैंने लेडीज़ देखी हैं जिनके फेस पे इतने ज़्यादा हेयर होते हैं कि उनको वैक्सिंग तक करानी पड़ती है, इतना पेन लेके थ्रेडिंग तक कराती हैं लेडीज़। तो अगर आप भी उन लेडीज़ में से हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं और आपको वैक्सिंग थ्रेडिंग तक कराने की नौबत आ जाती है कहीं जाने से पहले, आप खुद से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते बिकॉज ऑफ योर फेशियल हेयर, तो दिस प्रोडक्ट इज जस्ट फॉर यू गाइज। ट्राई करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर, जो चीज़ें आपके लिए इतनी मुश्किल थी। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ अपने घर में भी देखी थी जो फेशियल हेयर से इतने परेशान थे कि कभी बेसन का घोल लगाओ, कभी फेस वैक्सिंग कराओ, कभी थ्रेडिंग कराओ, कभी कुछ, मतलब हज़ारों चीज़ें यूज़ कर चुके हैं। आप शुक्र मनाना चाहिए हमें आजकल के जो गैजेट्स आ रहे हैं इस टाइप के ग्रूमिंग गैजेट्स, जिससे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि 5 से 7 मिनट अगर आपको लगते हैं, वो तो सिर्फ मैं बात करते करते ये चीज़ कर रही थी इसलिए थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई, बट नॉर्मली आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे आपके हेयर्स रिमूव करने के लिए। अगर आप प्री केयर एंड पोस्ट केयर करते हो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स लगेंगे, अदरवाइज सिर्फ 5 मिनट में ये काम हो जाता है और आपकी स्किन ऐसे चमकेगी ग्लास की तरह कि आप यकीन नहीं कर सकते। एज यू कैन सी, मैंने अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया था और मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा अपने फेस का ध्यान नहीं रखती हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, ना मैं कोई स्किन केयर करती हूँ रेगुलरली, ना मैं कुछ करती हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ा सा यूट्यूब में घुस गए हैं तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया है। तो गाइज आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे, और मुझे बड़ा क्लीन क्लीन सा फील हो रहा है। हाथ लगाते ही ऐसे मक्खन मुलायम की तरह फेस पे हाथ फिसल रहा है। तो अगर आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है गाइज, सो प्लीज़ डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आगे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी। और अगर आप में से जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो इस टाइम देख रही हैं, अगर आप में से किसी को भी 1% भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता आपका एक शेयर किसी की कुछ हेल्प करते। और एक शेयर, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।